Hello and welcome to a world trip show. This is Rahul who's driving right now, and yes, again we are going for a staycation, and this time we are going to Neemrana. और सुबह सुबह हम निकल चुके हैं नीमराना की तरफ, और उससे पहले हम लेते हैं एक ब्रंच ब्रेक विच इज इन पंचगांव. पंचगांव एक बहुत ही फेमस ढाबा है जिसमें बहुत ही अच्छा डिलीशियस फूड मिलता है, और हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी डेडिकेटेड वीडियो ऑफ पंचगांव. वी विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक दैट. और आपको यहाँ पे स्टारबक्स भी मिल जाता है. एंड लेट्स गो इनसाइड. एंड यस, दिस इज मी पूजा, और हम अब जा रहे हैं अंदर जहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा ब्रंच. एंड द फूड वॉज रियली गुड. And then Rahul had his tea. He loves tea and I love coffee. हम यहाँ पे बिल्कुल अलाइन नहीं होते. और इतना अच्छा खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ इन नीमराना अ रिजॉर्ट, जहाँ पे हमारे एक फ्रेंड हैं, कपल फ्रेंड. दे आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस. बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मनोहर विलास अ रिजॉर्ट विच इज़ इन नीमराना. और यहाँ पर ही हमारे उस कपल फ्रेंड की शादी हुई थी जिनसे हम आपको आगे मिलवाएंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड इट्स परफेक्ट फॉर अ स्टेकेशन विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस और योर फ्रेंड्स. इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी एंड इट्स वेरी गुड फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स और एनी सेरेमनी इफ यू वॉन्ट. एंड दिस इज आवर प्लेस वेयर वी स्टेड. They have cottages, they have rooms, they have variety of places to stay. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं अपना कॉटेज जिसमें हमने स्टे किया था. और ये है अंदर से जो काफ़ी स्पेशियस था. आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्लेस. यहाँ पे लाइव सिंगिंग होने वाली थी, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं. एंड देन यू नो द बेस्ट पार्ट, इट हैज़ Starbucks nearby. They have Haldiram's. It's a perfect place according to the location also. So it was my time to have a nice coffee. और हमने Starbucks में आराम से कॉफ़ी पी, थोड़ा रिलैक्स किया, चिल किया, and then we went back to our resort. The property is huge और काफ़ी सारी activities हैं which you can do entire day. Look at this beautiful camel ride. यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड है वेयर यू कैन प्ले एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, एंड दे हैव डेडिकेटेड एक्टिविटी एरिया विच आई विल शो यू लेटर. यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ ब्यूटीफुल स्पॉट्स लाइक दिस फॉर योर फोटोशूट. बहुत सारी मस्ती एंड बहुत सारा रिलैक्सेशन के बाद हमने किया बहुत ही सारा फोटोशूट. And after completing our photo shoot, we went for a nice nature walk. Thankfully, the weather was really good. And this is the entrance of the resort. यहाँ पे बहुत ही cute सा एक temple भी है. And then again, we found a really pretty spot. और उसके बाद हमारा फिर से photo shoot करना तो बनता है, so started doing that. और फिर से बहुत सारा फोटोशूट करने के बाद वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर वॉक. एंड लेट्स हैव अ स्मॉल टूर ऑफ द प्रॉपर्टी, और साथ में देखते हैं ये ब्यूटीफुल सा सनसेट. एंड द रिजॉर्ट हैज़ द डेडिकेटेड एरिया ऑफ दिस एडवेंचरस एक्टिविटीज. Having good times with your friends is a therapy. So हमने काफ़ी सारा मौज मस्ती की, यहाँ पे खेला. And let me show you the shot Shinki gave. She's our friend Shinki and Saulav. And after completing the match, हम थोड़ा बहुत घूमे आस पास. सो दिस रिजॉर्ट हैज़ दिस डेडिकेटेड एरिया मनोहर गाँव विच इज़ लिटरली लाइक अ विलेज. आई शो यू अराउंड. एंड फिर से शुरू होता है फोटोशूट सेशन. दिस इज जस्ट फॉर द फोटोशूट गाइज.
और इसी बीच हो जाती है शाम, और शाम की तैयारियां रिजॉर्ट ने कुछ अलग तरीके से की थी। दे हैव प्लान्ड दिस ब्यूटिफुल लाइव सिंगिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस अलॉन्ग विद दिस ब्यूटिफुल राजस्थानी फोक डांस, एंड लुक एट दिस क्यूटी। इट वॉज अ फन इवनिंग, एंड आफ्टर हैविंग डिनर वी वेंट टू स्लीप, एंड दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज। इट वॉज अ वन डे स्टे गाइज, एंड चेकआउट से पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने दोस्तों से जिनकी शादी भी यहीं पे हुई थी, शिंकी एंड सौलव। और फिर शुरू होता है ग्रुप फोटो सेशन, और न जाने कितनी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद भी वी वर कंटिन्यूसली शूटिंग, बट वी हैड टू लीव। And look at Rahul, he's having the best time of his life and he was like, I don't want to meet. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please hit the like button, share with your friends and don't forget to subscribe if you have not. Aur humne liya tha lunch break at Highway King. The food was really, really good. You should give it a try.